हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के बाद अब दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आज का हमारा मधुबनी जो पेंटिंग मैंने बनाया है उसका थीम भी मैंने दिवाली से रिलेटेड रखा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं माँ पार्वती की गोद में मैंने बाल गणेश जी को बिठाया है जो कि दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें जो मैंने मटेरियल यूज किया है उसका सारा डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आप और देख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे बॉर्डर से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉर्डर्स मैं फ्री हैंड कर रही हूँ। अक्सर मैं हमेशा स्केल यूज़ करती हूँ बट मैं अब फ्री हैंड कर रही हूँ। और ये बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद अब हम सबसे पहले थिक वाले बॉर्डर को दियो वाले पैटर्न से भरेंगे। बस आप वीडियो को देखते जाइए कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ और फॉलो करते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे वीडियोज़ और भी लेकर आऊँगी मैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बॉर्डर का काम कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली मैंने इसमें तीन तरह का बॉर्डर डाला है, तीनों अलग अलग पैटर्न से और बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन से डाला है। अब मैं माँ पार्वती के मुकुट से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मुकुट ड्रॉ करूँगी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और इसके लिए मैं 0.1 साइज वाले बुशरो पेन का यूज कर रही हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने पेंसिल से थोड़ा आउटलाइन तैयार कर लिया था ताकि मुझे गाइडलाइंस मिलती रहे और उसके बाद मैं पेन यूज कर रही हूँ, जबकि फोक आर्ट में ऐसा नहीं होता है। बट मैं उतनी एक्सपर्ट हूँ नहीं तो इसलिए थोड़ा गाइडलाइन लेना ज़रूरी है मेरे लिए। जो भी फोक आर्ट में प्रोफेशनल होते हैं वो विदाउट गाइडलाइन डायरेक्ट कलर और नेप से अपना जो पेंटिंग है वो तैयार करते हैं। खैर, स्टार्टिंग में थोड़ा सा गाइडलाइन लेना ज़रूरी होता है। जब भी आप मधुबनी पेंटिंग बनाएं तो डबल लाइन करना बिल्कुल मत भूलिए और ये बहुत आराम से कीजिए, क्योंकि ये जो दो पतली लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो बहुत ही कम दूरी में होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेंटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। यही मधुबनी पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें डबल लाइनिंग का प्रयोग होता है और यही पेंटिंग को एक अलग लुक देता है। तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए जब भी पेंटिंग बनाएं तो डबल लाइनिंग करें और उसे बहुत आराम से करें ताकि दोनों लाइन कभी भी मिक्स ना हो।
फाइनली मेरा थीम भी जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये ब्लैक एंड वाइट में भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बट मैं इसमें कलर भरूंगी और कलर मैं बिल्कुल नॉर्मल स्केच कलर यूज करने वाली हूँ, जबकि मैं हमेशा कलर वाटर कलर यूज करती थी। आज स्केच कलर जो कैमलिन ब्रश पेंट आता है, ये भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। इस कलर का पूरा डिटेल्स मैंने डाल दिया है और अगर आपके घर पे नॉर्मल स्केच कलर भी है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। फाइनली कलर भी पूरा हो चुका है, अब मैं इसमें जो है बैकग्राउंड फिलअप करूँगी। और मैं कैसे कर रही हूँ, बैकग्राउंड मैं क्या दे रही हूँ, बस आप देखते जाइए और फॉलो करते जाइए।